ये देखें ऐसे अब इसके हम काट रहे हैं दूसरी लेयर। माशाल्लाह ये देखें कितना सॉफ्ट हमारा जो दूसरी लेयर भी रेडी है। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं सब? उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे। मैं तो नहीं ठीक हूँ क्योंकि मेरा बहुत ज़्यादा गला ख़राब है, लेकिन आज है 12 रबीउल अव्वल तो मुझे आपको दिखाना है 12 रबीउल अव्वल का केक बनाना। तो ये देखिए अब मैं बनाने लगी हूँ आज 12 रबीउल अव्वल का केक। उसके लिए सारा सामान हमारे पास आ गया है। और ये देखें जो मैंने आपको बताया था कैसे इसको रेडी करते हैं, यानी इसके नीचे ऑयल लगाया, उसके ऊपर ये पेपर बिछाया है, उसके ऊपर दोबारा ऑयल लगा कर ये देखिए हमने रेडी कर लिया। इसको हम रख देंगे साइड पर, ये हमारा रेडी हो गया। सबसे पहला हमारा काम यही है। अब उसके बाद हमने लिए हैं ये देखें जो, तो ये हम अपने दुकान ये दो अंडे डालने के बाद ये देखें ये हमारे पास हाफ़ कप चीनी, हाफ़ कप ये अब डालेंगे इसके अंदर। बिस्मिल्लाह, ये देखिए हमने दो अंडों के अंदर अपनी हाफ़ कप चीनी डाल दिया। अब ये हमारे पास इलेक्ट्रिक बीटर है। बिस्मिल्लाह, ये देखिए ये कितने प्यारे फॉर्म आ गए इसकी। ये हमारे पास है हाफ कप कुकिंग ऑयल, ये हम डालेंगे इसके अंदर। अब हम इसे दोबारा इसमें चलाएंगे ये मशीन। एक टीस्पून वनीला एसेंस, एक टीस्पून विनेगर, अब आ जाए सर पे। बिल्कुल हल्की आंच पे हमने इसे रख दिया। इसके अंदर ये देखें ये स्टैंड रख के कुछ भी नहीं करना, और इसके नीचे बस आंच चला देनी। 5-10 मिनट के लिए इसे हम प्रीहीट करेंगे जब तक हमने इंग्रेडिएंट्स डालते हैं। अब हम रखेंगे इसके ऊपर अपनी स्ट्रेनर जो बिल्कुल होनी चाहिए ड्राई। ये देखिए बिल्कुल ड्राई। अब सबसे पहले जो हमारे पास है एक कप मैदा फुल भर के नहीं लेना, बस थोड़ा सा जो है ना वो कम लेना। ये देखते हैं उसमें। अब इसके अंदर डालेंगे हमारे पास है बेकिंग पाउडर, इसके अंदर आएगी 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर, नेक्स्ट आएगा इसके अंदर बेकिंग सोडा टीस्पून, एक टीस्पून जो हमने डाला है बेकिंग पाउडर तो इसमें हम डालेंगे 1/2 टीस्पून बेकिंग सोडा, बिल्कुल यूं लेवल करके 1/2 टीस्पून बेकिंग सोडा। अब इसके अंदर हमारा जाएगा पिंच साल्ट, ये देखिए एक पिंच साल्ट, ठीक है। बस इतने से हमारे इंग्रेडिएंट्स हैं। अब इन्हें हम सबको करेंगे इसके अंदर स्टेन। अब ये स्टेनर से हम करेंगे इन सबको स्टेन। देखिए इसलिए सेल करना कि ये जो है ना कुछ भी, ठीक है ये हो गया हमारा, इसे कर देंगे साइड पे। अब इसे हम करेंगे हल्के या तो मिक्स। आप हमारी इसकी कंसिस्टेंसी देखेंगे, ये होती है रिबन कंसिस्टेंसी। जब ऐसी कंसिस्टेंसी आ जाए इट मीन्स आपका बैटर रेडी टू कुक है।
ये देखना इसमें बस कोई लंप ना हो। अब ये हम अपना मोड लगे करेंगे और इसमें करेंगे सारा ट्रांसफर। ये देखिए जनाब हमारा बैटरी रेडी है। ये देखिए अब हम इसे ट्रांसफ़र करेंगे अपनी देगची में। ये जो हमने अपनी देगची रखी थी अभी मशीन की वो टॉर्च हो चुकी है, इसे आराम से रख देंगे गर्म। इसके अंदर रख दिया, इसके ऊपर से ढक्कन दे देंगे और आँच बिल्कुल हल्की कर देंगे। ये देखिए बिल्कुल आँच इतनी कर देनी जितनी चूल्हे पे दम पे नहीं होती, वो बिल्कुल हल्की। अब हम इसे पूरे 50 मिनट बाद देखेंगे ये पक जाएगा इंशाल्लाह। हमारा ये 50 मिनट हो गए थे और बिल्कुल ये बन गया है। उसके बाद मैंने इसे चूल्हा बंद करके तो इसे एक घंटे के लिए जो बाहर निकाल के रखा है, अभी मैं इसको डीमोल्ड करती हूँ और आपको दिखाती हूँ। ये देखिए अभी बन गया, अब इसको मैसेज करेंगे सिंपल। माशाल्लाह ये देखिए, ये इसकी आप इसकी मोटाई दिखाएं प्लीज़। ये देखिए इसकी आप ये स्पॉन्ज देखें माशाल्लाह, ये जो बिल्कुल स्पॉन्ज इतना ज़्यादा फूल के बना है, इसकी तीन लेयर्स होंगी। अभी हमने इसको डीमोल्ड कर दिया, अब हम इसके ऊपर करेंगे क्रीम लगाएंगे, इसको 12 रबी लेवल का केक बनाएंगे और फिर मैं आपको दिखाती हूँ। हमने ये एक कप जो है पूरी अपनी फ्रेश क्रीम ली है, व्हिपिंग क्रीम नॉन डेरी है जी। ये देखिए बिल्कुल पूरा एक कप क्रीम, ये देखिए ये एक कप हमने पूरी क्रीम ले ली अपनी। ये देखें ऐसी होनी चाहिए हमारी क्रीम। ये देखें क्रीम हमारी बिल्कुल रेडी है क्योंकि नीचे नहीं गिर रही है। देखें ऐसे करना है उल्टा होने के पर नीचे ना गिरे, इट मींस क्रीम रेडी है। ये देखें ये अब हमारा स्पॉन्ज है, ये देखें कितना सॉफ्ट है। अब हम इसे लेयर्स काटेंगे और फिर इसके बाद इसमें क्रीम लगाएंगे। बल्कि इसका सबसे पहले बिस्मिल्लाह इधर दिखाएं, ये देखें बिस्मिल्लाह, ये खूबसूरत सा हमारा जो केक है बनकर बिल्कुल रेडी है। इधर से खाना चला दे, ये देखें ये जो अपनी लेयर्स हैं बिस्मिल्लाह, ये देखें माशाल्लाह कितना खूबसूरत हमारा जो केक की लेयर अंदर से देखें। ये देखें ऐसे अब इसके हम काट रहे हैं दूसरी लेयर। माशाल्लाह ये देखें कितना सॉफ्ट हमारा जो दूसरी लेयर भी रेडी है। ये देखिए हमारी तीनों लेयर्स, कैसे हमने तीन कट कर लिए हैं। इधर जी हमारी क्रीम रेडी है, अभी हम स्टार्ट करते हैं इस पर फ्रॉस्टिंग करना। अभी देखिए उसके बाद अभी हम ये शीरा तैयार किया है। आपको जैसे मैंने बताया था एक टेबल स्पून चीनी और इसके अंदर पानी थोड़ा सा डाल के उसको अच्छे से मिक्स करके तो फिर हम ये लगाएंगे अपने केक में और फिर इसके बाद ये देखिए अब हम अपना शीरा डालेंगे इसके ऊपर। मैं एक मिनट रोक ले, लुक लाइक दिस और सेम माय क्रीम लगानी है अपनी माय फोन बैड करने लग रही है केक को नहीं लगती इसलिए इसके लिए सीजनल 26 पे कूलिंग कर रहा है हजार दफा बताया जी। हमने इसके ऊपर दूसरी लेयर रख दी, नो मेकिंग नो शीरा डाला। अब इसके ऊपर दोबारा डालेंगे अपनी क्रीम।
उसके ऊपर रखेंगे अपनी थर्ड लेयर। जिस हस्ती के लिए बनाया वो इंशाल्लाह कबूल करने वाली है। हाँ मेरी बारह रबी लोबल की वीडियो बताएं कि एक मैंने आपको बना के दिखाया कैसा लगा आपको। अगर अच्छा लगा तो वीडियो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर दें। अल्लाह हाफिज़।